दोस्तों, वन प्लस 10R 5G क्या ये 2023 में खरीदना चाहिए या नहीं, सब कुछ मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। तो इसके बॉक्स में क्या क्या मिलता है? सबसे पहले आपको एक छोटा सा बॉक्स मिलेगा जिसके अंदर ट्रांसपेरेंट कवर, जिसकी क्वालिटी तो भाई काफी सही है। और यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स और मिल जाता है जिसके अंदर भर भर के पुस्तकें और एक सिम एग्जेटर टूल मिलती है। और अपने पास में स्मार्टफोन है फॉरेस्ट ग्रीन में, काफी तगड़ा कलर है। बॉक्स के अंदर आपको 80 वॉट का चार्जर मिलता है और कंपनी क्लेम करती है लगभग 35 मिनट के अंदर 0 से 100% इस मोबाइल को चार्ज कर देता है। और टाइप सी यूएसबी डेटा केबल। फाइनली ये है स्मार्टफोन फॉरेस्ट ग्रीन कलर में। बैक साइड में आपको प्लास्टिक फ्रेम और प्लास्टिक बैक मिलता है। रियर में ट्रिपल कैमरा 50+8+2 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप मिलता है, जहां पर आपको बैक में मेटल फिनिशिंग के साथ में ये लाइनिंग टेक्सचर भी देखने को मिलेगा। लुक्स डिजाइन में तो काफी तगड़ा है। अगर यहां पर फिजिकल ओवरव्यू की बात करूं तो नीचे की साइड में आपको इसमें बॉटम साइड में स्पीकर, टाइप सी यूएसबी पोर्ट, माइक होल और सिम कार्ड स्लॉट मिलता है, जहां पर गाइज आप यहां पर दो डुअल 5G सिम यूज कर सकते हो। मैक्रो एसडी कार्ड डालने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। लेफ्ट साइड के अंदर वॉल्यूम डाउन अप की और ऊपर की तरफ आपको इसमें माइक्रो नॉइस कैंसिलेशन मिलेगा। राइट साइड के अंदर पावर ऑन ऑफ की। इस मोबाइल के वेट की बात की जाए तो यहाँ पर 186 ग्राम इसका वेट मिलता है और 8.2 mm इसकी थिकनेस है। और ये स्मार्टफोन अपने पैरों पर भी खड़ा होना जानता है क्योंकि बॉक्सी फ्रेम के साथ में आता है। देखा जाए तो स्मार्टफोन काफी स्लिमेस्ट है और कवर लगाने के बाद में भी इतना मोटा फील नहीं होता है, तो यहाँ पर भी काफी कंफर्टेबल बना रहता है। इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सब कुछ देखने को मिल जाता है। 6.7 इंच की इसमें आपको फील्ड एमुलेट डिस्प्ले मिलती है, 120 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट, HDR 10 प्लस का सपोर्ट भी मिल जाता है और कोरिंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलती है फ्रंट में। अगर बेजल्स वगैरह की बात करूं तो बहुत कम देखने को मिलते हैं। ओवरऑल डिस्प्ले एक्सपीरियंस तो काफी बेटर है। तो देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से मोड्स मिलते हैं। सेटिंग में जाने के बाद में पर्सनलाइजेशन, फिर यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कैनवास के बारे में, जहां पर आपको क्लिक करना है और एल्बम से कोई भी फोटो वगैरह उठा लेनी है अपनी खुद की, तो इसके अंदर आप खुद की इमोजी भी बना पाओगे जो आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले लॉक स्क्रीन पे और वॉलपेपर पर सेट कर पाओगे, जैसे ये जनरेट हो चुका है। और इसके बाद में यहाँ पर आप अलग अलग डिजाइन भी बना सकते हो इस तरीके से, जैसे ये टेक्सचर, लाइट वगैरह, इनमें से जो भी अच्छी लगे उसको आप लेआउट करके फिर रिव्यू पर फिर अप्लाई कर देना है। इसके बाद में आप देखोगे गाइज ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले लॉक स्क्रीन पे और वॉलपेपर पर सेट हो चुकी है, तो इसके अंदर भाई ये काफी तगड़ी देखने को मिल जाती है। और रियली गाइज इसकी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में और भी काफी कमाल के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो ये वाली वॉच मिलती है जो आप लॉक स्क्रीन पे सेट कर सकते हो, जिसमें बीच में तो टाइम शो होगा, नोटिफिकेशन, लेकिन ऊपर आपको एक चीज देखने को मिलती है अनलॉक, जैसे आपने स्मार्टफोन को कितनी बार अनलॉक किया वो सब आपको यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में शो हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हो 26 बार मोबाइल को आज हमने अनलॉक किया, तो ये भी आपको यहाँ पर दिखा देगा इस वाली वॉच के अंदर। इसके अलावा यहाँ पर और भी काफी काफी वॉच मिल जाती है, टाइम्स वगैरह सेट कर सकते हो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में लॉक स्क्रीन पर। आइकॉन के अंदर आने के बाद में आप यहाँ पर जो भी एप्स वगैरह डाल रखे हो स्मार्टफोन में उसके ऐप पे आइकॉन को कस्टमाइज कर सकते हो, डिजाइन वगैरह बना सकते हो। और इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, जिसमें आप देख सकते हो गाइज काफी तगड़े तगड़े एनिमेशन वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं, जो आप अपने मन पसंदा कस्टमाइज कर सकते हो। नीचे ये वाला लाइट इफेक्ट मिलता है जिसमें 3 कलर्स की लाइट मिलती है, जब भी आपको किसी का नोटिफिकेशन वगैरह आएगा तो एज डिस्प्ले में ऐसी लाइट देखने को मिलती है। रियर में आपको ट्रिपल कैमरा मिलेगा, 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल मैक्रो लेंस, और फ्रंट में आपको सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का मिलेगा। तो देखते हैं इसके कैमरा में कौन कौन से मोड्स मिलते हैं। सबसे पहले आपको इसमें नाइट मोड मिलता है, जिसमें आपको जूमिंग वगैरह, वाइड एंगल कैमरा भी स्विच कर पाओगे। और इसके अलावा फोटो, वीडियो, वीडियो के अंदर आप इसमें 4K तक वीडियो शूट कर सकते हो। मैक्रो कैमरा मोड के अंदर पेनोरमा मोड, टिप शिफ्ट, जिसमें साइड में आपको ब्लर देखने को मिलेगा, बीच में सब्जेक्ट को क्लियर करेगा, जिसमें आप ब्लर को भी कस्टमाइज वगैरह कर सकते हो अपने हिसाब से। इसके अलावा मोड के अंदर पेनोरमा मोड वगैरह, स्लो मोशन 1080p 30fps में रिकॉर्ड कर सकते हो। इसके अलावा मैं यहाँ पर कैमरा फोटोज की बात करूँ तो ये वाली फोटो हमने इसके सेल्फी कैमरे के पोर्ट्रेट मोड से क्लिक की, जिसमें डिटेल, एजेस काफी सही मिल जाता है। और गाइज यहाँ पर रियली इसका सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल होकर भी पोर्ट्रेट में काफी सही शॉट्स दे देता है। रियर में पोर्ट्रेट कैमरा इसका काफी कमाल करता है, जैसे कि कलर्स वगैरह काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं, जिसमें AI कलर्स वगैरह भी देखने को मिलेगा इसमें। और यहाँ पर कलर्स वगैरह काफी सही मिलती है, HDR कैमरा में भी देख सकते हो, जैसे बैकग्राउंड से धूप आ रही थी और फिर भी यहाँ पर आपको पेड़ पौधों का कलर है वो काफी सही मिल जाता है, और कलर्स वगैरह भी काफी नेचुरल हद तक दिखाई दे देते हैं। इस मोबाइल की प्राइस है 33,000, जिसमें 8GB रैम, 128 स्टोरेज मिलता है। 8GB रैम के अंदर आप इसमें 5GB रैम एक्सटेंड भी कर पाओगे।
फाइनली बात करते हैं प्रोसेसर की। इसमें आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 8100 प्रोसेसर मिलता है जो 5 नैनोमीटर की चिपसेट के साथ में बेस्ट है। तो इस स्मार्टफोन के अंदर आप गेमिंग वगैरह भी काफ़ी सही कर सकते हो और इसके अलावा एंड्रॉयड 12 का सपोर्ट मिल जाता है, ओक्जिनोस एंड्रॉयड 12। लेकिन नो डोंट वरी गाइज, इसमें आपको यहाँ पर एंड्रॉयड 13 का अपडेट भी मिल जाएगा जल्दी। तो गाइज इसमें गेमिंग वगैरह कैमरा काफ़ी सही मिल जाता है, तो इसे आप अभी भी नो डाउट खरीद सकते हो, वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। और कमेंट करके जरूर बताना आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा, और वीडियो पसंद आए तो भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट मजेदार वीडियो में, बाय बाय।